यहाँ कितना अच्छा व्यू है तुंगनाथ जी में, तुंगनाथ में। देख सकते हो यहाँ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। गाइस सुबह के बज चुके हैं 7 और देख सकते हो यहाँ का व्यू कैसा दिख रहा है। ये है हमारा कैंप अंदर, जहाँ हम रात को जब हमने स्टे किया था। यहाँ देख सकते हो आप, ये हमारी कैंपिंग स्पॉट की जगह। हमने यहीं एक कैंप ले रखा है किराए पे, हमने यहाँ होल्ड किया था। देख सकते हो आप मॉर्निंग व्यू, देख सकते हो आप यहाँ का। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग यहां से निकलने वाले हैं। देख सकते हो ये हमारा कैंप और सारे बंदे लोग हमारे तैयार हो चुके हैं। हम यहां से अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमने मैगी बनाई थी तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हम जाने वाले हैं मंदिर में, आपको दिखाएंगे तुंगनाथ भगवान का मंदिर और ऊपर चंद्रशिला, जहाँ के लोग बहुत कम विजिट करते हैं चंद्रशिला में, क्योंकि तुंगनाथ से चंद्रशिला 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे है और यहाँ से तुंगनाथ है 5 किलोमीटर। तो यार मतलब पूरे 8 किलोमीटर आज हम चढ़ने वाले हैं। आज रात का भी हम यहाँ स्टे करने वाले हैं, आज रात को हम यहीं रुकने वाले हैं। तो यहाँ से हम कल सुबह निकलेंगे घर के लिए, आज हम यहीं रुकेंगे। सो गाइस यार, अगर हमारा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो यार मैं हो सकता हूँ इस व्लॉग के 2-3 पार्ट कर दूँ। तो यार आप ज़रूर देखें इस व्लॉग को, क्योंकि यार ये वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यार ऐसी जगह आप लोग भी जाना चाहते हो तो यार ज़रूर बताएं मुझे, आप लोगों को भी बताऊँगा, मतलब बताऊँगा क्या ये जगह कौन सी है। और यहाँ जहाँ हम यहाँ नीचे जहाँ कल रात रुके थे, मतलब वो भैया काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमें मतलब 2 रात के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे में हमें दे दिया था। तो यार हम उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे, अगर आप लोग चोपता विजिट करोगे तो यार डिस्क्रिप्शन से उनका नंबर लेके आप, मैं तो कहूँगा उन्हीं के यहाँ जाएँ, क्योंकि वो भैया काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइस हम लोग गाड़ी की चाबियाँ भूल गए थे, तो मेरे बंदे ने मुझे आवाज़ लगाई कि क्या तुम गाड़ी की चाबियाँ ले गए हो। तो यार हम ले नहीं गए थे, तो मेरा बंदा एक पीछे चला गया, अभी गाड़ी की चाबियाँ लेने जा रखा है। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, रोड की तरफ जा रहे हैं। पीछे देख सकते हो कितने अच्छे बेस कैंप हैं यहाँ, काफ़ी अच्छा है। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश कि आप सोच नहीं सकते हो, कल रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। अच्छा हुआ हमने अपना खुद का कैंप नहीं लगाया, क्योंकि अगर खुद का लगाते तो हम कल रात सो नहीं पाते। हमने यहाँ किराए पर ले लिया था, हमने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यार यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी रात के करीब 1-1.5 बजे जब बारिश हुई तो हमारी नींद खुल गई थी। यार काफ़ी ज़्यादा बारिश भी शायद हो सकता है आज भी यहाँ बारिश हो, क्योंकि यार आज भी यहाँ मौसम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। मौसम भी देख सकते हो आप, ऊपर की तरफ देख सकते हो आसमान में, मौसम काफ़ी ख़राब है आज का भी यहाँ। तो यार अभी थोड़ा देर में रोड पे पहुँचेंगे हम। कि आप लोग देख सकते हो यहाँ फूल भी काफ़ी अच्छे हैं, छोटे छोटे फूल हैं, यहाँ की सुंदरता इन फूलों से है। देख सकते हो आप इन फूलों को, काफ़ी अच्छे हैं मतलब। तो फाइनली गाइस हम लोग रोड पर पहुँच चुके हैं और हमने गाड़ी आगे खड़ी करी हुई है। ऊपर जाएंगे जहाँ पे चोपता का तुंगनाथ भगवान जी का मेन गेट है, वहाँ पे से हम अंदर को जाएंगे, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। उसके बाद वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और चंद्रशिला की तरफ, तुंगनाथ भगवान मंदिर की तरफ और चंद्रशिला की तरफ जाएंगे। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे जो आपको गाड़ियाँ दिख रही है, ये गाड़ियाँ हमने खड़ी करी हुई है, उन्होंने पीछे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी हुई हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ भगवान जी के गेट पे,
हम यहाँ पे अभी रोड पे हमने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। हम यहाँ से आगे निकलने वाले हैं। पीछे देख सकते हो मेरे पीछे ये है तुंगनाथ भगवान जी का गेट। यहाँ से करीब तुंगनाथ है 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। अब थोड़ी देर में हमारे जो दो बंदे थे बाइकर थे वो अभी पीछे रुके हुए हैं, वो आराम से आ रहे हैं। तो यार हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से आगे निकलते हैं अब। सो गाइस चलते हैं यहाँ से आगे। लोग तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो आराम से। हाँ देख सकते हो तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर के बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य लिखे गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हो आराम से। तो गाइस देख सकते हो यहाँ कितना अच्छा व्यू है तुंगनाथ जी में, तुंगनाथ में। देख सकते हो यहाँ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर, जो कि तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हो आप, ये है तुंगनाथ मंदिर का गेट, काफ़ी अच्छा है। यहाँ घंटी पे पता नहीं कुछ बांध रखा है, शायद घंटी नहीं बजा रहे हैं। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है तो यार इस कारण से अंदर नहीं जा पा रहे हैं कोई भी। तो यार ये देख सकते हो सामने, देख सकते हो आप कोहरे के अंदर ये है मंदिर, यहाँ पर बना हुआ है, देख पा रहे होंगे। शायद मंदिर के अंदर आजकल जाने नहीं दे रहे हैं कोई भी, मंदिर के नज़दीक भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये है तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर। अभी हम यहाँ से जाएंगे आगे चंद्रशिला, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खड़ी चढ़ाई है, लेकिन काफ़ी दूर है वो भी। यहाँ कोहरा लगा हुआ है, शायद हम शाम तक नीचे आएंगे तो शायद यहाँ से कोहरा हट जाए। तो हम आपको इस मंदिर को अच्छे से दिखाएंगे, इस मंदिर का व्यू आपको अच्छे से दिखाएंगे। देख सकते हो आप, ये है तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर। आप ज़रूर घूमना चाहोगे एक बार, इतना अच्छा मंदिर है, मैं तो कहूँगा आप लोग ज़रूर विजिट करें। बट आज मौसम कुछ अच्छा है नहीं, कोहरा लगा हुआ है तो कुछ ज़्यादा साफ दिख नहीं रहा है, कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी एक छोटी सी मूर्ति है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब पांडवों ने मतलब कौरवों का वध किया था तो उसके बाद ऋषि व्यास ने उन्हें सजेस्ट किया था कि तुम भगवान शिव की पूजा करो और शिव की पूजा करने के बाद तुम्हें शायद मोक्ष प्राप्त हो जाए, तुम्हें इस पाप से शायद मुक्ति मिल जाए। जब पंच पांडव यहाँ पहुँचे थे भगवान तुंगनाथ जी के यहाँ मतलब शिव जी आए थे, तो तुम पांडवों ने शिव का पीछा किया था, तो शिव के पीछे पीछे पांडव लोग यहाँ पहुँचे। लेकिन शिव जी उनसे इतने नाराज थे, भोलेनाथ इतने नाराज थे कि भोलेनाथ ने उन्हें अपना दर्शन दिया ही नहीं। तो भोलेनाथ यहाँ से भागते भागते गए केदारनाथ, और केदारनाथ में भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण कर लिया। उसके बाद बैल का रूप धारण करने के बाद भी पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और भगवान शिव के चरणों में पांव पड़ गए, मतलब सारे उनके पैर छूने लग गए। तो शिव ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब खुश नहीं थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो शिव के वहाँ पे 5 टुकड़े हुए, जो कि पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उसमें से एक केदार यह है जिसे तुंगनाथ कहा जाता है। और यहाँ पे भगवान शिव के 2 पार्ट हैं जिन्हें, तो यार देख सकते हो इस वजह से ये तुंगनाथ मंदिर बनाया गया है। सो देख सकते हो आप कितना अच्छा मंदिर है, कितना अच्छा व्यू यहाँ का है, देख पा रहे होंगे आप लोग। शायद अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बट हम इतने क्लोज जा चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे भगवान शिव जी का छोटा बैल है जिसे नंदी के नाम से भी जाना जाता है। गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर, देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पे से जल बाहर निकलता है, जब अंदर लोग अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ भी बंद किया गया है क्योंकि यार ये मंदिर खुला नहीं है काफ़ी टाइम से, कोविड की वजह से सारे के सारे मंदिर बंद कर दिए गए हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ से भी कितना अच्छा मंदिर है। थोड़ा सा अगर कोहरा साफ हो जाता तो आप लोग इस मंदिर को अच्छे से देख सकते थे, बट कोहरे की वजह से आप लोग शायद देख नहीं पा रहे होंगे। फिर भी जितना हम दिखा पाएंगे हम उतना आपको दिखा रहे हैं, जितना व्यू जितनी अच्छी जगह हम आपको दिखा पाएंगे उतना दिखा रहे हैं। और यार अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पे बने होते यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं और एक प्यारा सा कमेंट भगवान तुंगनाथ के नाम से वीडियो पे छोड़ दें। सो गाइस चलते हैं यहाँ से चंद्रशिला की ओर, हमने मंदिर आपको दिखा दिया, अगर हो सके तो हम बाद में आपको मंदिर को अच्छे से दिखाएंगे। तो यार यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ।